अच्छा एक छोटा सा सवाल उसाम भाई सर आपकी इजाजत से मुफ्ती साहब आपसे पूछ लेती हूँ क्योंकि आप इस गुफ्तगू को आगे लेके चल रहे हैं कि बल्कि लामा साहब से पूछ लेते हैं आप कमेंट या मुफ्ती साहब प्रोफेसर साहब आपसे पूछ लेती हूँ कि ये जो गुस्सा हमारे यहाँ इन्होंने बड़ा अच्छा हम पॉइंट रेस किया एंगर मैनेजमेंट वहाँ पढ़ाया जाता है हालांकि हमें ज्यादा पता होना चाहिए हमने कुरान पढ़ा है अब ये जो हमारे यहाँ लोगों में गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है उसमें हमारा जो निज़ाम है जहाँ अदल नहीं है इंसाफ नहीं है बेरोजगारी है इतने सारे मसाइल है कि बहुत से लोग रोटी खाए बगैर सोते हैं ऐसे ऐसे हम वाकयात रिपोर्ट करते हैं साम भाई न्यूज़ में कि जी घर में खाना नहीं था 3 दिन से बच्चे भूखे थे तो माँ ने बच्चों को भी जहर पिला दिया खुद भी खुदकुशी कर ली कि बच्चों की भूख नहीं देखी जा रही मौत देख लेंगे मतलब उस औरत का क्या नफसियाती लेवल होगा सही का नफसियाती हो जाते हैं लोग उसमें हमारे निज़ाम की कमजोरी का कितना आप कहेंगे कि अमल दखल है कि हम इतने ज़्यादा नफसियाती हो गए इतना ज़्यादा गुस्से का शिकार हो गए बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि वसहबी अजमाइन बाबात देखिए इंसान जज्बात के साथ पैदा हुआ है इसमें मोहब्बत भी है नफरत भी है गुस्सा भी है और धीमा मिजाज भी है इस्लाम इंसान को मुतवाजन चाहता है मुस्लिम एक मुतवाजन मुसलमान हो जी इस्लाम इन जज्बात को कुचलता नहीं है इनको संवारता है तुम्हें नफरत किससे करनी है वो बताता है तुम्हें मोहब्बत किससे करनी है वो बताता है तुम्हें प्यार किससे करना है वो बताता है गुस्सा किससे करना है वो बताता है अल्लाह इस्लाम इन जज्बात को संवारता है गुस्सा एक ऐसी चीज है जो इंसान की शख्सियत को मजरूह कर देती है इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबी आए कहने लगे या रसूलल्लाह दुल्लनी अला अमलन युदखिलुनी अलजन्ना वाइज़नी वला तुक्सिर अलैया फअंसा अल्लाह के रसूल मुझे ऐसा अमल बताएं जो मुझे जन्नत ले जाए मुझे नसीहत कीजिए लंबी नसीहत नहीं करना मैं भूल जाता हूँ मुझसे अब ला ताकतब गुस्से नहीं होना गुस्से नहीं होना देखिए गुस्सा जो होता है इंसान को कब आता है दूसरों पर जब दूसरे पर वो अपनी नफसियाती बर्तरी समझता है वाह वाह अपने आप को बड़ी शायद समझता है वो कहेगा ये मेरे से छोटा है तो गुस्से होगा उस पर नाराज होगा समझे ना उसको पता है ये मेरे ताबे हैं बस एक मुदीर है एक डायरेक्टर है अपने दफ्तर में आता है अपनी जहाँ उसका डायरेक्टर आता डांटता है लोगों को ये करता है वो उसको बुला जरा इसको डांटता है उसको डांटता है ये क्यों करता है कि उसके अंदर नफसियाती बर्तरी होती है समझे ये मेरे ताबे हैं है? इसलिए मैं इनको दबाऊँ उसके असर क्या होता है जब एक दफ़ा डांटा उन्होंने कबूल किया दो दफ़ा डांटा तीस दफ़ा जो लोग उसके जेर नस काम कर रहे हैं वो कह रहे छोड़ो इसका काम ही है इसके इसके इसमें कुछ नहीं चिखला इसका काम है तो इन जो गुस्सा है वो इंसान की शख्सियत को मजरूह करता है इसलिए इस्लाम ने गुस्से को कहा ला तकदब और हर 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 जो है बुराई है जिसमें इंसान दूसरे पर हुक्का हक जब्त करता है वो गुस्सा अच्छा इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी आपकी इजाजत से और लोग उस बंदे से खौफजदा हो जाते हैं मैं अक्सर कहती हूँ कि किसी से खौफजदा होना और किसी की इज्जत करना किसी की इज्जत में एहतराम में खामोश हो जाना एक अलग बात है लेकिन किसी से खौफ खाना उससे दूर भागना ये तो इंसान के लिए एक सोचने का मुकाम है क्या सूल मलकत शुमल जो लोग आपके ताबे हैं उनसे बुरा मामला करना नहुसत है जब आप जेरे ताबे लोगों से बदमामली करेंगे उसकी नहुसत आपके कारोबार पर आएगी जब रसूल ये नहुसत है ये आपके कारोबार को तबाह कर सकती है ये जो जेरे आपके जेरे नजर लोग हैं इनके हकूक का ख्याल रखो इनसे मोहब्बत पेश जी, जी। तो कभी आपने आपको बड़ी शह मत समझो तो गुस्सा में से देखे ना हम आप देखते हैं एक शख्स बाहर होता है अपने दोस्तों अहबाब में होता है हंसता है खेलता है कूदता है यानी सब जो बगैर जब घर में आता है ओ लाल पीला होता है बीवी को ड्राइवर बीवी का ओ तुम्हारा अब्बा आ गया चुप जाओ बच्चो बच्चो इधर हो जाओ तुम इधर हो जाओ और उसका सारा गुस्सा किस पर बीवी पर है कह रहा गुस्सा है उनका मतलब बीवी बेचारी कुछ कहेगी नहीं मुझको अगर बाहर किसी दोस्त पर वो बराबर का जवाब देगा मुझको लेकिन बीवी तो कुछ भी नहीं कहेगी यानी सारा गुस्सा बीवी पर निकालेगा यानी कमजोर को दबा कमजोर को ये चीज है ना ये उसको कमजोर को दबाएगा और इसीलिए रसूल अकरम खैरुकुम लिहाज़ तुम इससे बेहतर इंसान वो है अगर देख रहा हो ना ये इंसान अच्छा इंसान है या नहीं इसका उसको देख इसका बीवी के साथ क्या मामला है अल्लाह ये मियार है
ये मीज़ान है, समझ ना। रसूल अकरम सब गुस्से होते थे, मन तकम रसूल नफ़्सी आवत है, नबी करीम सल्लल्लाहु कभी अपनी ज़ात के लिए गुस्से नहीं हुए, इल्ला इज़ा उन तो है का हुदूदुल्लाह, जब अल्लाह की हदें को तोड़ा जाता फिर आप गुस्से होते थे। गुस्से में कहाँ होना, या अल्लाह के हदूद को तोड़ा जाता, गुस्से में कहाँ होना है, या आप देखिए इसलिए रसूल अकरम वो शख्स दयूस है, जो शख्स अपने अहले खाना में बुराई देखता है और उसकी इसलाह की नहीं सोचता, जब बच्चा देखता है मेरी बच्ची मेरी बीवी गलत राह पर चल रही है और उसको रोकता नहीं, उसको रोकता नहीं, गुस्से नहीं होता, रोकता नहीं, फरमा दयूस है वो दयूस जन्नत में नहीं जाएगा, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। तो ये चीज़ जो है, जो गुस्सा जो है, इसके अल्लाह ताला जो हमें मना किया गया इसलिए मना किया, इसके ज़रिए इंसान दूसरे को हकूक जब्त करता है, अपने आप को बड़ी शय समझना शुरू कर देता है, दूसरे को हकीर जानना शुरू हो जाता है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमज़ान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफ़ीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शह-ए-औलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तू इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।